गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए विश्व भूगोल से वीडियो नंबर 7। यहां पर आज हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यहां पे पार्ट 1 देखेंगे। और देखिए, आपको पता होगा जैसा कि ये वीडियो जो है ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी से है और यहां पर आपकी क्लास 6 की बुक चल रही है अभी, तो इसमें अभी यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रह गया है और इसके अलावा जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन है वो और रह गया है। इसके बाद हम क्लास 7 पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें यहां पर। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पहले हम उसकी अवस्थिति जान लेते हैं, यानी कि पहले मैप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अवस्थिति जान लेते हैं कहां पर पड़ता है, उसके बाद नोट डाउन करेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका ग्लोब और ग्लोब पर आप ये भारत देख रहे होंगे। भारत के हम दक्षिण पूर्व में अगर हम चलेंगे, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में अगर चलना स्टार्ट करेंगे, तो यानी दक्षिण पूर्व क्या मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इधर चलना स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अवस्थिति है अगर आप देखें इधर, तो ये ऊपर जा रही है, बिस्वत वृत्त जा रही है, यानी बिस्वत वृत्त के ठीक नीचे है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला पोर्शन है और बिस्वत वृत्त के बिल्कुल जस्ट नीचे आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आपका ऊपर जो है तिमोर सी है, इधर जो है कोरल सी है, इधर तस्मान सी है, नीचे जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है पूरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। ये मैंने आपको अभी मैप में दिखाया कि ये जो है सबसे छोटा महाद्वीप, अगर महाद्वीपों के क्रम में हम देखें तो सबसे छोटे यानी सबसे लास्ट में आता है, 7वें नंबर पे आता है ये वाला। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके आसपास के द्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो उसे मिलाकर हम कहते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर इसे ऑस्ट्रेलेशिया बोला जाता है। ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। आपकी देखिए मैप में अभी मैंने आपको अवस्थिति दिखाई थी आपकी, ये वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका पूरा। ठीक है, तो इसके आसपास के जो द्वीप हैं, यानी कि न्यूजीलैंड वाला पोर्शन भी और मिला दें, इसमें आसपास के द्वीप और मिला दिए जाए तो वो पोर्शन जो है ऑस्ट्रेलेशिया बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बहुत बड़े भाग में वर्षा बिल्कुल ना के बराबर होती है, यानी यूं कहें तो इस महाद्वीप के यानी कि बहुत ही छोटे हिस्से पर वर्षा होती है, बहुत ही कम हिस्से वर्षा होती है, पूरे महाद्वीप पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे आप कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है। ये थर्ड पॉइंट है आपका। देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो है केवल 4%, यानी ऑस्ट्रेलिया की केवल 4% भूमि जो है वो खेती के योग्य है, यानी केवल ओनली ओनली यानी 100% में से केवल 4% भूमि पर यहाँ पर केवल खेती होती है, बाद बाकी पर जो है मरुस्थल है, झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ वगैरह फैली हुई हैं। ठीक, केवल 4% भूमि पर ही खेती होती है। तो चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की केवल 4% भूमि पर ही खेती योग्य है या खेती होती है। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ के जो है पशुपालन व्यवसाय को सबसे उन्नत किस्म का बनाया है। उन्नत किस्म का कैसे बनाया है, उसने जो है पशुओं का जो पालन जो है वो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से किया है, यानी विभिन्न वैज्ञानिक विधियों के जरिए वहाँ पे पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया है। इस वजह से वहाँ पर जो पशुपालन का व्यवसाय एक फल फूल गया है और एक अच्छे जो है स्तर पर पहुँच गया है। तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है अभी फिलहाल में पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की तकनीक है, जैसे आपने सुना होगा जो आपका इजराइल कंट्री है, इजराइल कंट्री ड्रिप सिंचाई के लिए फेमस है, यानी इजराइल कंट्री में आप पढ़ते भी होंगे ड्रिप सिंचाई जो है, जो ड्रिप इरीगेशन है उसके लिए जो है इसराइल फेमस है, यानी ड्रिप इरीगेशन के जरिए वहाँ पे खेती की जाती है। आपने सुना होगा, आपने न्यूज वगैरह सुना होगा, राज्यसभा की जो न्यूज वगैरह है वहाँ पे सुना होगा कि इसराइल जो है अपनी ड्रिप इरीगेशन जो कृषि है इसके लिए फेमस है। ठीक है, यानी कि ड्रिप इरीगेशन का जो विकास है वो इसराइल में किया गया है, कि बूंद बूंद पानी डाल के खेती करने का विकास इसराइल में किया गया है। ठीक इसी प्रकार से इस महाद्वीप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वर्षा भी हो नहीं रही है, ऊपर से खेती के लिए केवल 4% भूमि है और ऐसे में वहाँ पे पशुपालन भी हम अच्छा खासा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हमने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है तभी हम यहां पर इस अवस्था में पहुंच पाए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है यहां पर। देखिए यहां की जो अधिकतर जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर जनसंख्या जो है इस महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, छठवां पॉइंट, यहां की अधिकतर जनसंख्या
महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ के। देखिए पूर्वी भाग आपका यानी कि पूर्वी, ये देखिए चार दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अगर हम यहां से डिवाइड कर दें, इसे इस तरह से डिवाइड कर दें, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया, तो पूर्वी वाला रीजन तो एक पूर्वी वाला हिस्सा तो एक ये वाला हो गया हिस्सा, और दक्षिण पूर्वी का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा। आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा जो है ग्रीन ग्रीन यहाँ पे कवरेज दिखा रहा है, तो ये यहीं पर केवल आबादी पाई जाती है यहां पर, और थोड़ा सा हल्का हल्का ये दिख रहा है, तो यहीं पर ये आबादी है पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, देखिए विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे एक महाद्वीप पर फैला है। ये देखिए प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, और देखिए पुराना भी हो गया प्रश्न, लेकिन पूछा जाता है, नए अभ्यर्थी हैं वो जान लें कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए रैंडम में ऐसा कोई एक देश बताइए जो पूरे एक महाद्वीप पर फैला है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो समूचे महाद्वीप पर फैला हुआ है। ये आपका सातवां पॉइंट है। ठीक है, ये आपका सातवां पॉइंट है कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, यानी इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं इसी वजह से। तो यहां सातवां पॉइंट आप नोट कर लेना कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की और हम भारत का कंपेयर कर लेंगे क्षेत्रफल की तुलना में, तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो भारत के, यानी भारत के क्षेत्रफल का दोगुना है। ठीक है, तो आठवां पॉइंट आप नोट कर लेना, यानी इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से के दोगुने से अधिक है, इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। ठीक है, ये आठवां पॉइंट है आपका, नोट कर लिया होगा आपने आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो खोज थी, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की गई थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ये एक अंग्रेज नाविक था कैप्टन जेम्स कुक, इसने 1770 में की थी। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया की खोज एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1770 में की थी। ये आपका नवा पॉइंट है। ठीक है, यह जो है उस समय खोज करते समय यह सिडनी जो पड़ता है, सिडनी के निकट उतरा था, सिडनी के जो पोताश्रय है, यानी कि वहां पर जो खाड़ियों में पोताश्रय का जगह था, तो वहां पर ही उतरा था ये। ठीक है, तो नमे का सब पॉइंट आप नोट कर लेना, वह सिडनी पोताश्रय के निकट उतरा था। देखिए यह जो कंट्री है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, यह देश 6 स्वशासी राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है। यानी कि भारत की तरह भारत में कितने स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, बाद बाकी 7 यूए टेरिटरी और यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, आपने सुना, पढ़ा है आपने ऑलरेडी। उसी प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया है, यह देश जो 6 स्वशासी राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है। ठीक है, तो 10वां पॉइंट आप यही नोट कर लीजिए कि यह देश 6 स्वशासी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है भूमि, यानी कि यहाँ की भूमि के बारे में हम जानते हैं, यहाँ की भूमि किस प्रकार की है ये हम जानेंगे यहाँ पर। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो भूमि का डिवाइडेशन है उसे 3 भौतिक भागों में बांट दिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि है उसको मुख्य रूप से, भौगोलिक रूप से 3 भौतिक भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप लिख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को हम 3 मुख्य भौतिक भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला भाग कौन सा है, पहला भाग जो है यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग जो आपकी है, पहला भाग है पश्चिमी पठार, यानी पश्चिमी पठार वाला भाग है। तो ये जो पठार है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक फैला हुआ पठार है। ठीक है, और यह जो महाद्वीप है, ये पठार जो है ये महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग में फैला हुआ है। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि लगभग आप ये मान लीजिए 66%, यानी कि 100% में से 66% हिस्से पर जो है ये पठार फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लिखने की जरूरत नहीं है, 66% 2/3 लिखना आप तो नोट करेंगे इसमें आप पश्चिमी पठार में कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। पहला पॉइंट आपका यही है। सेकंड पॉइंट है आपका, यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। सेकंड पॉइंट आपका यही है कि यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। देखिए पठार का जो अधिकतर भाग है वो मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है, और यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो आप थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पठार का अधिकांश भाग या पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है जो छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि पठार का अधिकांश भाग या अर्ध मरुस्थल, अधिकांश भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है जो छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। अब चलिए मैप में आते हैं। देखिए ये जो मैप है, अब मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जो किताब वाले मैप होते हैं हिंदी में होते हैं, तो मैंने हिंदी वाला मैप ही यहाँ पे लगा दिया है, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए ये वाला ऑस्ट्रेलिया है।
आपको मैंने बताया था आपको कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ये वाला पूरा हिस्सा जो है पठारी है, ये पश्चिमी रीजन वाला जो पश्चिमी पठार बोला जाता है पूरा हिस्सा जो पठारी है, लेकिन लगभग उसमें एक और कमेंट था कि लगभग दो तिहाई भाग यानी 2/3 भाग जो है पठारी है। 2/3 का मतलब हो गया लगभग यहां तक का क्षेत्र, यानी ये सब क्षेत्र जो है ये सब पठार का क्षेत्र आता है। ये वाला क्षेत्र मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, जिससे समझ में आए, ये पूरा क्षेत्र यानी 2/3 हिस्सा लगभग इस महाद्वीप का जो है वो पठारी है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये, तो ये आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र क्वींसलैंड, एमाडूस झील, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, मेलबोर्न, ये इस तरह से डिवाइड है ये। ठीक है, सिडनी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ये सिडनी पड़ रहा है, यहाँ पे सिडनी है ये वाला रीजन। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया आपने तीसरा पॉइंट, पठार का अधिकांश भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है जो छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। ठीक है, देखिए ये इसकी खास बात क्या है कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है ये भी जो पठार है भारत के दक्कन का पठार है, यानी भारत का दक्कन का पठार पुराना पठार है जो कि कट छट के छोटा होता चला गया है। ठीक इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पठार भी बहुत पुराने हैं और ये भी पठार जो है चट्टानों से बने हैं और ये भारत के पठारों की भांति भी ये भी कट छट के छोटे होते चले गए हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पे, चौथा पॉइंट नोट करेंगे कि भारत के दक्कन पठार की भांति यह पठार पुरानी चट्टानों का बना है। ठीक है, भारत के दक्कन पठार की भांति यह पठार भी पुरानी चट्टानों का बना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए यहां जो इस पठार में लौह अयस्क और सोना यहां के प्रमुख खनिज हैं, यानी पश्चिमी पठार में लौह अयस्क और सोना यहां के प्रमुख खनिज हैं। तो आप ये पांचवा पॉइंट नोट कर लीजिए कि लौह अयस्क और सोना यहां के प्रमुख खनिज हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी, सेकंड हेडिंग है, हमने जो भूमि थी उसे तीन पार्टों में डिवाइड किया था, तो पहला पार्ट तो था पश्चिमी पठार वाला, अब सेकंड जो पार्ट है वो है मध्यवर्ती निम्न भूमि, यानी मध्यवर्ती निम्न भूमि वाले क्षेत्र में हम आ गए। ठीक है, तो ये पश्चिमी ये जो निम्न भूमि वाला क्षेत्र है, निम्न भूमि वाला क्षेत्र यानी कि ये पश्चिमी यानी कि ये वेस्टर्न पठार वाला क्षेत्र और ईस्टर्न वाला क्षेत्र इसके बीच वाला, यानी ये जो क्षेत्र है ये निम्न भूमि क्षेत्र ये बोला जाता है, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे ये निम्न भूमि क्षेत्र ये बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग आप नोट कर लीजिए मध्यवर्ती निम्न भूमि, तो इसमें नोट करेंगे पहला पॉइंट कि पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है। ठीक है, देखिए यह उत्तर में खाड़ी पड़ती है, कार्पेंट्रिया की खाड़ी पड़ती है, यह जो है कार्पेंट्रिया यानी सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यह है उत्तर में कार्पेंट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला है, यानी कि उत्तर में ऊपर जो पड़ती है ये कार्पेंट्रिया की खाड़ी पड़ती है, यानी ये वाली जो खाड़ी देख रहे होंगे ना, आप देख रहे होंगे इस तरह की जो खाड़ी बनी हुई है, ये वाली इस तरह की खाड़ी ये संरचना है, ये खाड़ी जो है कार्पेंट्रिया की खाड़ी बोली जाती है। तो यहां से लेकर नीचे में दक्षिण तक यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट तक ये फैला हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यह उत्तर में कार्पेंट्रिया, ये नाम याद रखना, कार्पेंट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला है। ठीक है, देखिए यहां जो इस यानी कि मध्यवर्ती निम्न भूमि में दो नदियां फेमस हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला प्रदेश है इसकी जो औसत ऊंचाई है भूमि से वो 150 मीटर है, और जो कहीं कहीं इसकी ऊंचाई जो है यहीं आयर झील भी पड़ती है इस क्षेत्र में, आयर झील के निकट यानी कि आयर झील के निकट का क्षेत्र जो है वो समुद्र तल से मात्र 12 मीटर नीचा है। ठीक है, और कहीं कहीं जो है 150 मीटर से भी नीचा वाला क्षेत्र है, लेकिन लिखना नहीं है, जनरली मैंने बता दिया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया में यानी कि जो इस वाले रीजन में जो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की दो मुख्य नदियां यही है, मरे और डार्लिंग ही है, मरे और डार्लिंग, लेकिन जो मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला प्रदेश है यहां से दो नदियां निकलती हैं, वो निकलती हैं मरे और डार्लिंग। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मरे यानी मरे नहीं है, मर्रे है। ठीक है, मर्रे। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, आप सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे मर्रे और डार्लिंग। ठीक है, फर्स्ट जो था यानी फर्स्ट वाला तो ये था पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है, इसे सेकंड पॉइंट में मत बनाइए, पहले का सब पॉइंट बना दीजिए। यह उत्तर में कार्पेंट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला है, सब पॉइंट बना दीजिए पहले का। अब देखिए सेकंड पॉइंट आप डाल दीजिए यहां पर, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। देखिए ये जो नदियां हैं ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं। ठीक है,
ये सब पॉइंट में नोट कर लेना आप। सेकंड पॉइंट के सब पॉइंट में, ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर बहती हैं, ठीक है। देखिए यहां की जो नदियां हैं वो अधिकतर सागरों तक नहीं पहुंच पाती, यानी यहां की नदियां जो है अधिकतर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, वो बीच रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही जो है अंत्यस्थली झीलों में आकर समाप्त हो जाती हैं, अंत्यस्थली झीलों में आकर गिर जाती हैं, ठीक है। तो आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर, इस क्षेत्र की अधिकतर, यानी इस क्षेत्र की अधिकतर नदियां अंत्यस्थली झीलों में गिरती हैं, इस क्षेत्र की अधिकतर नदियां अंत्यस्थली झीलों में गिरती हैं। थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना कि इस क्षेत्र की अधिकतर नदियां अंत्यस्थली झीलों में गिरती हैं। अब देखिए यहां पर जो जो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश है उसमें एक झील है, यानी कि आयर झील। तो इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर बहुत बड़ा भाग अंत्यस्थली अपवाह क्षेत्र है, यानी आयर झील जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा अंत्यस्थली अपवाह क्षेत्र बनाता है ऐसे ही करके, ठीक है। तो थर्ड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना, इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंत्यस्थली अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। देखिए और एक खास बात क्या है यहां पे, जो ऑस्ट्रेलिया के यहां पर जो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश है, यहां की खास बात क्या है कि यहां पे उत्सृत कूप मिलते हैं। यानी उत्सृत कूप का मतलब क्या होता है कि इन कुओं में खुदाई करने पर यहां पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाल्टी वगैरह से जल बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं है यहां पर। यहां पर उत्सृत का मतलब क्या होता है, पानी बड़े वेग से अपने आप ही पानी निरंतर जो है अपने आप बाहर निकलने लगता है। जैसे आपने देखा होगा जो सबमर्सिबल की जो बोरिंग होती है, सबमर्सिबल में क्या करते हैं, बटन ऑन किया और पानी जमीन से खिंचके ऊपर आ रहा है, यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर जैसे कुएं खोदती गई, जैसे धार टाइप फूटती रही है, धार जमीन से कोई फूटती है, ठीक उसी प्रकार से उत्सृत कुएं जो होते हैं वो अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर की तरफ निकालते रहते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना, यहां पर चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां जल के उत्सृत कूप, यहां जल के उत्सृत कूप मिलते हैं, यहां जल के उत्सृत कूप मिलते हैं, जिनसे पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। चौथा पॉइंट आपका यही है कि यहां जल के उत्सृत कूप मिलते हैं, जिनसे पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपने देख रहे होंगे मध्यवर्ती निम्न भूमि, और ये आयर झील रही आपकी, ये आपकी आयर झील रही, ठीक है। ये आयर झील वाला रीजन है, ये आप मरे और डार्लिंग नदियां देख रहे होंगे आप, ये मरे हैं, ये डार्लिंग नदियां हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है आपकी, यहां पर थर्ड हेडिंग जो है आपकी वो है पूर्वी उच्च भूमि, यानी भूमि के अंदर में तीसरी हेडिंग जो है, तीसरा जो मैंने बताया था पश्चिमी पठार पढ़ लिया आपने, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश पढ़ लिया, अब यहां पे तीसरी जो हेडिंग है वो है पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। देखिए पूर्वी उच्च भूमि जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तट के समानांतर फैली हुई है, यानी कि ये भूमि जो है यहां से स्टार्ट होती है, आप देख रहे होंगे जो पहाड़ वाला रीजन आप दिख रहा है कटा छटा, ये रीजन, ये वाला रीजन पूरा जो है पूर्वी उच्च भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर ये फैली हुई है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मकरव्रत जो है यहां पर काटता ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रही है, यानी 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो मकरव्रत है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो यहां पे आप नोट करेंगे थर्ड में कि पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर फैली है, पहला पॉइंट आपका यही है, पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है, ठीक है। अब देखिए इसका जो विस्तार है, यानी कि इसी में सब पॉइंट में पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे, इसका विस्तार उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है, यानी कि इसका जो विस्तार है पूर्वी उच्च भूमि का, इसका विस्तार केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। मैं मैप में दिखा दे रहा हूं एक बार, देखिए ये ऊपर देख रहे होंगे ये केप यार्क प्रायद्वीप है, ये वाला हिस्सा जो है केप यार्क प्रायद्वीप है, और नीचे जो हिस्सा है यहां पर, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये तस्मानिया वाला रीजन है, कट गया है कोई बात नहीं बता दे रहा हूं, ये नीचे की तरफ जो हिस्सा दिख रहे होंगे ये वाला, ये तस्मानिया वाला रीजन है, यानी केप यार्क से लेकर तस्मानिया तक रीजन जो है वो पूर्वी उच्च भूमि का प्रदेश है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप पहले का सब पॉइंट, इसका विस्तार उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है, ठीक है। अब सब पॉइंट आप नोट करेंगे, सेकंड सब पॉइंट, यानी पहले पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है,
यह जो है वो ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। देखिए काफी बार पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में पाई जाती है, ये पूर्वी भाग यानी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप यानी कि पहले पॉइंट का सेकेंड सब पॉइंट नोट करेंगे, यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी खास बात क्या है, थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए उत्तर में ये श्रेणियां जो है वो चौड़ी तथा कम ऊंची हैं, लेकिन दक्षिण में ये संकरी और ऊंची हैं। यानी उत्तर में ये श्रेणियां जो है चौड़ी तथा कम ऊंची हैं, लेकिन दक्षिण में ये श्रेणियां संकरी हो गई हैं और ऊंची होती चली गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने जब हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा हिमालय जो है कि मध्य में आकर हिमालय जो ऊंचा हो गया है, और जैसे जैसे हम पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हिमालय की जो श्रेणी है, हिमालय की श्रेणी जो है वहां पर नीचे नहीं होती चली जाएगी, यानी कि वहां पर जो हिमालय का जो पहाड़ है वो एकदम नीचा होता चला गया है वहां पर। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहले पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट है, उत्तर में ये श्रेणियां चौड़ी तथा कम ऊंची हैं किंतु दक्षिण में सकरी और ऊंची हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, अब आप सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए कोसियुस्कू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक कोसियुस्कू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई यानी जिसकी ऊंचाई जो है वो 2234 मीटर है, यानी 2234 मीटर है। तो सेकेंड का सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसकी ऊंचाई 2234 मीटर है। कोसियुस्कू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, ये कहां पे पाया जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, यानी कि पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में है कोसियुस्कू शिखर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कोसियुस्कू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 2234 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतर नदियां हैं वो पूर्वी उच्च भूमि से निकल रही हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां जो हैं वो पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां ये जो है छोटी नदियां हैं और तेज बहती हैं, तीव्र गति से बहती हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकतर मैंने बताया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो फैली हुई है वो एक पहाड़ टाइप है, यानी कि पठार जो है उठा हुआ पठार है, पहाड़ टाइप रेंज है, तो यहीं से नदियां निकल रही हैं और नदियां बहुत छोटी दूरी के लिए और निकल रही हैं और ये बहुत तेजी के साथ बहती हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, अब आप चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए यहां पे कुछ रह गया है, आई होप आपने लिख लिया। यहां पे देखिए एक पॉइंट रह गया है, यहां पर समुद्र यहाँ पे यानी कि हमने कोसियुस्कू शिखर के बारे में लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट रह गया, वही मैं सोच रहा थर्ड पॉइंट रह गया है, वो स्लाइड कट गई है। देखिए पूर्व में जो प्रशांत महासागर है उसकी ओर उच्च भूमि का ढाल जो है वो खड़ा हुआ है, यानी ढाल एकदम तीव्र यानी खड़ा ढाल है, और जबकि पश्चिम में मध्यवर्ती निम्न भूमि की ओर ढाल जो है मंद हो जाता है, यानी जो पूर्वी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसे बोलते हैं वो प्रशांत महासागर की ओर उसका ढाल जो है वो एकदम खड़ा यानी तीव्र ढाल है, जबकि पश्चिम में मध्यवर्ती निम्न भूमि की ओर ढाल मंद है। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट में कि पूर्व में प्रशांत महासागर की ओर उच्च भूमि का खड़ा ढाल है, का खड़ा ढाल है, परंतु पश्चिम में मध्यवर्ती निम्न भूमि की ओर ढाल मंद है, परंतु पश्चिम में मध्यवर्ती निम्न भूमि की ओर ढाल मंद है। अब चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। चौथा पॉइंट आपका यही है, ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। चौथे का सब पॉइंट, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां छोटी तथा तेज बहने वाली हैं। चौथे का सब पॉइंट आप नोट करेंगे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां छोटी तथा तेज बहने वाली हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी तट है इसके साथ साथ एक प्रवाल भित्ति है, समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे मूंगे की चट्टान बोलते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इसका घोल बना हुआ होता है, वो भी पाई जाती है। तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति ब्रैकेट में मूंगे के चट्टानों की दीवार ये लिख लेना, ब्रैकेट में मूंगे के चट्टानों की दीवार, ठीक है, है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पांचवा पॉइंट,
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रबाल भित्ति ब्रैकेट में मूंगे के चट्टानों की दीवार ब्रैकेट बंद है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी संसार में सबसे लंबी, यानी सबसे लंबी जो है प्रबाल भित्ति की श्रृंखला यही है, सबसे लंबी श्रृंखला जो है ग्रेट बैरियर रीफ की है। काफी बार पूछा भी जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है, ये वाली श्रृंखला जो उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। इसकी सबसे जो लंबाई है, पूरी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो आप पांचवें के सब पॉइंट में नोट कर लेना, पहला पॉइंट इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। देखिए तट से, यानी कि जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट से इसकी निकटतम दूरी जो है 38 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी जो है वो 240 किलोमीटर है। ये भी नोट कर लेना पांचवें के सेकंड सब पॉइंट पे, कि तट से इसकी निकटतम दूरी 38 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 240 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पर छठवां पॉइंट नोट करेंगे। देखिए प्रवाल, प्रवाल जो है वो उष्णकटिबंधीय समुद्रों के कारण स्वच्छ और उतले जल में ही ये अच्छी तरह पनपते हैं। प्रवाल वाला जो जीव है ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों के कारण, यानी कि जहां पर गर्म जलवायु होती है और वहां पर स्वच्छ और उतला जल होता है, वहीं पर ही अच्छी तरह से ये पनपते हैं। ठीक है, और प्रवाल जब मर जाते हैं तो अपने वहां पे मरने के बाद अपना खोल वहीं छोड़ जाते हैं, और जब ज्यादा संख्या में मरते हैं तो उनके खोल जो है जमा हो जाते हैं, और ये खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये जो इनके अस्थि पंजरों वाली श्रृंखला का जमाव जो होता है, इसे प्रवाल भित्ति के नाम से फिर जाना जाता है। ठीक है, तो छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, पहले ये प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के कारण स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं, स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। छठवें का अगला सब पॉइंट आप नोट करेंगे, प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं। छठवें का सब पहला सब पॉइंट यही है, प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं। ठीक है, अगला सब पॉइंट, छठवें का अगला सब पॉइंट, कि प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को प्रवाल भित्ति कहती है। देखिए प्रवाल वाला जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, लिख लेना ये, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अच्छा कमेंट में एक बात बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, लिख लेना ये, प्रवाल का जो खोल है कैब, यानी खोल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है जलवायु, यानी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी पाई जाती है ये हम जानेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको मैंने दिखाया था, ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा होकर गुजर रही है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जब हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में जाके ठंड पड़ती है, और जब हमारे यहाँ यानी जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तब यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यानी विपरीत होता है। यानी कि जो अलग, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि हमारे यहाँ भी गर्मी चल रही है तो वहाँ पर ठंड होगी, और जब हमारे यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर गर्मी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जलवायु में पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, अब आप ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अतः यहां की ऋतुएं उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं के विपरीत होती हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अतः यहां की ऋतुएं उत्तरी गोलार्ध की ऋतुओं के विपरीत होती हैं। देखिए आप एग्जाम्पल के लिए आप डाल के लिख लीजिए पहले का सब पॉइंट करके, क्योंकि काफी लोगों को याद रहेगा या नहीं रहेगा, विपरीत का मतलब कुछ लोग उल्टा ना समझ जाए, इसलिए लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि पहले का सब पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि उदाहरण के लिए जब हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु होती है तब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। जब हम उदाहरण के लिए जब हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु होती है तब ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो मोस्टली पार्ट है, मैंने बताया था, यानी केवल 4% बागवानी खेती होती है, यानी कि आप खुद ही समझ जाते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का मोस्टली पार्ट जो है पूरा शुष्क रहता है, ड्राई पूरा एरिया है, यानी दो तिहाई भाग पर जो है वह पठारी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड यानी अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों में पवन समुद्र की ओर से चलती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है और उसके अलावा उत्तर पूर्वी भाग है और दक्षिण पश्चिमी भाग है, यहां पे पवन समुद्र की ओर से चलती है। ठीक है, अब सेकंड का ही सब पॉइंट है,
परिणाम स्वरूप इन भागों में वर्षा होती है, यानी कि यहाँ कर यहाँ के पूर्वी भाग में वर्षा अच्छी खासी होती है, उत्तर पूर्वी में होती है और दक्षिण पश्चिमी भाग में अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि पवन जो है वहां पे समुद्र की ओर से चलती है, स्थल की तरफ चलती है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्षा जो है भारी वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, दिखा देता हूं मैप में आपको। देखिए पूर्वी भाग का मतलब हो गया ये वाला रीजन, उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया ये वाला रीजन, और दक्षिण पश्चिमी का मतलब हो गया ये वाला रीजन। यानी कि ये यानी कि पूर्वी का मतलब मैं कर्सर घुमा रहा हूं, कर्सर को देखना आप ध्यान से, पूर्वी का मतलब ये वाला रीजन हो गया यहां पर, उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी का मतलब हो गया ये वाला रीजन, यानी कि यहां जो वर्षा है वो यहां पर जो है जो वर्षा है यहां पर वर्षा जो है वो पवन जो है समुद्र की ओर से चलती है, इसलिए इन भागों में वर्षा जो है बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए पूर्वी उच्च भूमि में रुकावट भी है, यानी कि जैसे आपको पता होगा जैसे हमारे यहाँ अरावली की हमारे यहाँ जो पहाड़ियां हैं रुकावट है, रुकावट का काम करती है, अरावली की पहाड़ियों के समानांतर होकर मानसून निकल जाता है जिस वजह से वर्षा नहीं हो पाती है, यानी अरावली की पहाड़ियों की वजह से जो है राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। अरावली की पहाड़ियां अगर ज्यादा थोड़ी ऊंची होती तो उन क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होती रुकावट के कारण, लेकिन ऐसा नहीं होता है वहां पे, अरावली की पहाड़ियां बहुत कटी छटी हैं जिस वजह से मानसून निकल जाता है पूरा और वहां वर्षा नहीं हो पाती है राजस्थान, इसी वजह से राजस्थान जो सूखा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी है, यहां पर थोड़ा उल्टा है, यहां पर क्या ये पूरी उच्च भूमि में जो क्षेत्र है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला क्षेत्र है ऊंचा क्षेत्र है, यानी वहां से मानसून जब उठता है तो इन पहाड़ियों से टकरा के जो पूर्वी इससे वाला पूर्वी यानी पूरब वाला रीजन है इस ये वाला रीजन है यहां पे तो अच्छी खासी वर्षा होती है, जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का इधर वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये सूखा रह जाता है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश वाला रह जाता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, पूर्वी उच्च भूमि वर्षा करने वाली इन पवनों के लिए एक रुकावट है, पूर्वी उच्च भूमि वर्षा करने वाली इन पवनों के लिए एक रुकावट है, इसलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती है, जैसे महाराष्ट्र का वृष्टि छाया प्रदेश है ठीक ऐसा ही सिस्टम यहां पर भी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे कि पूर्वी उच्च भूमि की रुकावट की वजह से यहां के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, या बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है लिख लेना। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी तट है, चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है यहां पर। अच्छा, कमेंट में सेकंड प्रश्न आपका ये वाला है आज का, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताना है, सेकंड प्रश्न आपको ये बताना है भूमध्य सागरीय जलवायु क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने ऑलरेडी आपको जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहे थे वहां भी बताया था, मैंने भूमध्य सागरीय जलवायु को बहुत डिटेल में बताया था, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था वहां पर ही बताया था भूमध्य सागरीय जलवायु को। अब यहां पर आपको कमेंट में बताना है, यानी एक लाइन में बता देना है कि वर्षा कब होती है, गर्मियों में होती है, सर्दियों में होती है, क्या विशेषताएं होती है इस भूमध्य सागरीय जलवायु की, ये कमेंट में आपको बताना है, गर्मी कैसी पड़ती है ये भी बता देना आप। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर, सेकंड पॉइंट तो आपको यानी कि दो प्रश्न आपको बताना है आज आपको कमेंट में आगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है। चौथे का ही सब पॉइंट है, देखिए दक्षिणी तट पर तस्मानिया द्वीप है, तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना कि तस्मानिया द्वीप में पछुआ हवाओं से पूरे साल वर्षा होती है। पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों से वर्षा होती है। पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों से वर्षा होती है, यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी जहां पे पड़ती है उस हिस्से में ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों से यहां पे वर्षा होती है। ठीक है, ये जो पवने हैं वो ऋतुओं के बदलने के साथ साथ अपनी दिशा भी बदल देती है। ठीक है, ये जो पवने पांचवें का अगला सब पॉइंट, ये पवने ऋतुओं के बदलने के साथ साथ अपनी दिशा बदल देती है। अब देखिए इसी वजह से यह जो क्षेत्र है वो शीत ऋतु में शीतल तथा शुष्क और ग्रीष्म शीतल तथा शुष्क और ग्रीष्म में ऋतु में कोष्ण तथा आर्द्र रहता है। तो पांचवें का अगला सब पॉइंट यही है कि यह क्षेत्र शीत ऋतु में शीतल तथा शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में कोष्ण तथा आर्द्र रहता है। पांचवें में दो सब पॉइंट थे, ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपने आज का वीडियो नोट डाउन कर लिया होगा।
इसके अलावा देखिए मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि आप लोग स्टार्टिंग में ही यानी कि लगभग आधे से एक पेज छोड़ दिया कीजिए, पहला पेज जिस पर आपको मैप बनाना होता है, ठीक है। और मैप या तो आप क्या बोलते हैं, आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस अगर है उससे बना लीजिए, अगर ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं है तो गूगल मैप की हेल्प से मैप जरूर बना लीजिए, ताकि आपके जो आधे से ज्यादा फैक्ट हैं वो ये मैप देखकर ही याद हो जाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैप में मैं आपको मैं दिखा देता हूं, आप यहां से वीडियो यानी पॉज करके या तो बना सकते हैं या फिर अपने पास गूगल मैप है उससे बना सकते हैं, या ऑक्सफोर्ड वाला जो एटलस है उसे ले लें तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पर मैं जो आपके लिए लाने वाला था हिस्ट्री वाले वीडियो, उसमें थोड़ा अभी मुझे विलंब हो रहा है, मेरे पास कंटेंट तैयार रखा है लेकिन एक दो दिन का विलंब और होगा उसमें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक आ जाए वो। इसके अलावा मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं आपको, यानी कि इस मंडे से या मंडे से पहले से आपको जो 5 क्वेश्चन वाला यानी करंट अफेयर्स है, यानी 5 क्वेश्चन वाला यूपीएससी का करंट अफेयर्स है वो भी प्रोवाइड करवाने लगूं, यानी 5 क्वेश्चन वाला यूपीएससी का करंट अफेयर्स वो भी प्रोवाइड करवाने लगूं। लेकिन ये रूरल अकेडमी में मिलेगा, ये चैनल का रूरल अकेडमी जो नया चैनल है वहां पर आपको ये वाला वीडियो मिलेगा 5 क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इसलिए उसे भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।